हाय फ्रेंड्स, एमकुरिया टीके यूट्यूब चैनल के स्वागत करुच्ची मु मानस। फ्रेंड्स, एबे सरकार कले बड़ घोषणा। अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिचंती, 2,00,000 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिचंती। सूचना मुताबक 15,000 टंकार दरमा पाउथिबा ने कि बहुत बड़ खबर रही। जदि आपण मैंने बहुत सारा बेनिफिट पाउचंती किंबा आपण मैंने पाइबाकु जाउचंती, निश्चित भाव में यही वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखि रखंतु। बहुत सारा नुआ नुआ नियम लागू करचंती। जदि आपण मैंने नुआ करी आसुचंती, किसी इनफर्मेशन जानवाक चाहूँगी उचित मन करुले चैनल टी सब्सक्राइब रखुद और पाखे आसता बेल आइकन अल बटन प्रेस कर। जहाँकि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2,00,000 कोटी टंकार पैकेज विषय में विस्तृत सूचना दे कहते, 15,000 टंकार दरमा पाता लोकंकु पीएसबी सरकार भरिले। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निष्पत्ति नहींचंती। सरकार अगस्त पर्यंत कंपनी और कर्मचारी पक्ष पीएफ 12/12 जमा करिबे। देश में संगठित क्षेत्र रु ध्यान रखी एही प्रति निष्पत्ति नहींचंती। 4,00,000 रु अधिक संस्था लाभ मिलबो। मात्र योजना रे किछि शर्त रहिछि। सरकार को एही घोषणा रे फायदा केवल से कंपनी को लाभ मिलबो जहाँ पाखरे 100 कम कर्मचारी अछंती एवं 90% कर्मचारी दरमा मध्य 15,000 रु कम थिबा। अर्थात 15,000 रु अधिक दरमा पाउथिबा लोकंकु यहार फायदा मिलिबो नाही। जहाकि एबे सीतारमण बड़ घोषणा करबा सहित एही योजना लागि 25,000 कोटी टंकार आर्थिक सहायता जुगाई दिया जिबो। एही योजना रे प्राय 75,00,000 रु अधिक कर्मचारी को लाभ मिलिबो। उल्लेख जुगे रु मार्च एप्रिल ओ मे मास सरकार ईपीएफ ओरे निज योगदान देथिले एवं एही सुविधा को आहुरी 3 मास बढ़ाई दिया जाइछि। सरकार को अगस्त मास पर्यंत संस्था और कर्मचारी को 24% रे ईपीएफ रे करि पारिबे। Heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. He laid out a vision, a comprehensive vision. And that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society. These discussions were held at various levels, with various ministries, and also gradually taken up to the level of the Prime Minister's office. And the Prime Minister himself has been spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration, and they form a part of the package that's being given to the country. Essentially, this is to spur growth and to build a very self-reliant India. And that's where this whole initiative is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And the word Atmanirbhar India is the one which you will be hearing me say quite often. I know from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, I'll just say what it means in the 4 languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarva Bharatam.